प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने प्रोग्राम, अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुंडली के तमाम ग्रहों के उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी प्यार के साथ मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद अपनी कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि फालतू फोन मत किया करिए। कोई हमारे प्रोग्राम वीडियो संबंधित प्रश्न है तो आप करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। मगर कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का पूरा विवेचन कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसका आपको फीस देना होगा। अगर आप शुल्क देंगे तो पूरा विवेचन कर दूंगा। आज मैं मंगल के बारे में, तो ऐसे बहुत सा वीडियो है, मंगल किस कहाँ पर क्या प्रभाव देता है, किस जगह पर क्या प्रभाव देता है, किसके साथ क्या प्रभाव देता है, मंगल का स्वभाव क्या है, ये भी मैंने बताया। आज मैं बता रहा हूँ कि मंगल कुंडली के किन किन भाव में, किन किन घरों में अधिक लाभ देता है, जिसके कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ हो, ये मंगला होते हुए भी तेजस्वी होते हैं, हिम्मतदार होते हैं, स्वभावी कार्य करने की क्षमता होता है, निडर होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे घर में मंगल पर बैठा हुआ है, ये दूरदर्शी होते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं। जिनके कुंडली में पांचवें घर में मंगल बैठा हुआ है, ये पूर्ण विद्वान बनते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। जिनके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, विज्ञान और कलाकार बनते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं। जिसके कुंडली में दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, स्वतंत्र कार्य करते हैं, अपने विचारों से पहचाने जाते हैं, अपने कार्य से पहचाने जाते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते हैं और जीवन में जो कुछ भी इनके पास धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है वो स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में बारहवें घर में, लग्न से बारहवें भाव घर में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग कमर्शियल नहीं होते हैं, ऐसे लोग दयालु होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, चरित्रवान होते हैं, इनके संतान भी योग्य होते हैं और जीवन में अधिकांश कार्य में सफल रहते हैं, असफल नहीं होते। ये बहुत छोटा सा वीडियो मंगल कुंडली में किन किन घरों में अधिक लाभ देता है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। कितना करते हो, वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।